जय श्री राम। राजा भोज बचपन से ही बहुत नेक दिल साधु स्वभाव के व्यक्ति थे। जब राजा भोज 5 वर्ष के थे तभी उनके पिता सिंधुराज की मृत्यु हो गई थी। मरने से पहले सिंधुराज ने अपने बेटे का पालन पोषण अपने भाई मुंजनाथ को सौंप दिया था। मुंज बहुत ही त्यागी तपस्वी साधु संतों की सेवा करने वाला था। मुंज ने राज्यभार संभाल लिया कि जब भोज 15 वर्ष का होगा तब राज्य भोज को सौंप दूंगा। जब आखिरी साल आया तब मंत्रियों के मन में डर जाग गया। उन्होंने मुंज से कहा कि अब तो सत्ता आपके हाथ से चली जाएगी, भोज राजा बन जाएगा। भोज लोकप्रिय था, बहुत सुंदर था, तलवार में बहुत अच्छा था, न्यायप्रिय था और संस्कृत में बहुत ही अच्छी कविता भी लिखता था। मुंज को लोभ आ गया कि सत्ता तो मेरे पास ही रहनी चाहिए। यही लोभ है कि जिस बच्चे को कभी खिलाया होगा शाहजहां ने अपनी गोद में, उसी औरंगजेब ने अपने बाप को बंद रखा। यही लोभ है जिसमें अखबार में खबर छपती है कि संपत्ति विवाद में सोते समय 2 बेटों ने अपने बाप को कुल्हाड़ी से काट दिया। यही लोभ है जिसमें दाम्पत्य संबंधों में, पारिवारिक संबंधों में एक दूसरे की हत्याएं की जा रही हैं। मुंज को भी सत्ता का लोभ आ गया। मुंज ने अपने सबसे विश्वासपात्र सेनापति को बुलाया और बोला कि राजकुमार को शिकार खेलने के बहाने जंगल ले जाओ और वहां जब राजकुमार अकेले हों, निहत्ते हों, तो तलवार से उनका सिर काट देना और मुझे तलवार लाकर दिखाना। सेनापति हैरान हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुंज तो धर्मी है, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। सेनापति को मुंज ने कहा, मैं राजा हूँ और यह मेरी आज्ञा है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो ग्रेट MS वॉइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब जंगल में सेनापति जा रहे थे तो उनके माथे पर पसीना आ गया। भोज ने पूछा, इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो। सेनापति बोला, युवराज, एक बड़ा कठिन और नीचतापूर्ण कर्म करने जा रहा हूँ जिसके लिए ईश्वर मुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। भोज ने पूछा, ऐसा क्या काम करने वाले हो। सेनापति बोला, आपके चाचा राजा मुंज ने मुझे यह कहा है कि मैं आपको मार दूं ताकि वह राजा बने रहें। यह सुनते ही भोज घोड़े से नीचे उतर गए और बोले, मेरा सिर काट दो। सिपाही रोने लगा कि यह तलवार मुझे आपके पिताजी ने भेंट दी थी जब मैं सेना में भर्ती हुआ था, और इसी तलवार से मैं उनके बेटे का सिर कैसे काट दूं। भोज हंसने लगे कि तुम मुझे मारना भी चाहते हो और मार भी नहीं पा रहे हो, तो मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ। मैं तो यही बोल सकता हूँ कि मुझे मार दो और चाचा को बता दो। सेनापति ने एक रास्ता निकाला, इस धार के पार मेरी बहन रहती है और आपको वैसे भी साधु बनना है तो आप मेरी बहन के घर जाकर रहिए और वहां से आगे हिमालय निकल जाना, और इससे आप भी बच जाओगे और जो अभी हमने शिकार किया है उसका खून तलवार में लगाकर मैं राजा को दिखा दूंगा कि मैंने आपको मार दिया है। भोज कहता है कि जब मेरे चाचा तुमसे पूछेंगे कि मैंने मरते वक्त तुमसे क्या कहा तो तुम उन्हें यह पत्र दे देना। भोज ने एक भोज पत्र लिया और एक लकड़ी ली और जो शिकार मारा था उसके खून से एक श्लोक लिखा। उस श्लोक का अर्थ था, चाचा जी एक राजा हुए मांधा था, वह भी खाली हाथ चले गए। एक आए इक्ष्वाकु, वह भी ऐसे ही चले गए। युधिष्ठिर आए, वह भी ऐसे ही चले गए। यह सभी बहुत निकम्मे राजा थे, यह सब मरे उनके साथ जमीन नहीं गई। आज मुझे यकीन हो गया है कि जब आप मरोगे तो यह पृथ्वी आपके साथ जाएगी। चाचा श्लोक पढ़ते ही रोने लगा, हे राम यह क्या हो गया, देवता जैसा भतीजा मैंने मरवा दिया। सेनापति से बोलने लगा कि मुझे उस जगह ले जाओ जहां मेरे भतीजे को तुमने मारा है, मैं सन्यास ले लूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं आत्महत्या करूंगा। तो सेनापति हंसने लगा कि मुझे पता था आप ऐसा ही करोगे, मुझे पता था कि आप मन के बुरे नहीं हैं, आपके चारों तरफ जो लोग हैं उन्होंने आपको भ्रमित किया था। सेनापति बोला, आपके दरबारी बदमाश हैं
आप अच्छे इंसान हैं। राजा भोज मरे नहीं, वह जिंदा है। वह मेरी बहन के घर है। यह सुनते ही राजा मुंज ने घोड़ा निकाला और दौड़ा दौड़ा वहां पहुंचा जहां भोज ठहरा हुआ था, और भोज के चरणों में गिर गया और माफी मांगने लगा। भोज ने कहा, क्या हुआ चाचा जी, आपकी इच्छा से ही तो मैं साधु बनने जा रहा हूँ। तो चाचा जी ने कहा, नहीं, साधु तो मैं ही बनूंगा, तुम राजा बनोगे। मुंज ने राज्य भार भोज को सौंप दिया और मुंज साधु के रूप में विख्यात हुए और भोज यशस्वी राजा के रूप में। यह सच्ची घटना है और इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमारे चारों तरफ जो लोग होते हैं वही हमें भ्रमित करते हैं। केकई बुरी नहीं थी, मंथरा बुरी थी। परिवार के बाहर खड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर तुम्हें सगे भाई, सगी बहन, सगे संबंधी और माता पिता के बारे में बुरा भला बोले कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो यह समझ लीजिए कि वह तुम्हारी हानि के साथ है, वह तुम्हारे पतन के साथ है। कहानी अच्छी लगी हो तो ग्रेट MS वॉइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।